एज अ मैकेनिकल इंजीनियर 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर आना बहुत ही ज़रूरी बात होती है, क्योंकि आज के ज़माने में हम मैकेनिकल इंजीनियर्स को कुछ भी मैन्युफैक्चर करने से पहले डिज़ाइनिंग और उसके ड्राफ्टिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो डिज़ाइनिंग करने के लिए हमें बेशक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर रखते हैं, उसमें से एक है ये ऑटोडेस्क इन्वेंटर। तो खास आपके लिए मैं लेके आया हुआ एक सीरीज फॉर ऑटोडेस्क इन्वेंटर ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। तो इस सीरीज़ में जो भी ऑटोडेस्क इन्वेंटर सीखना चाहते हैं उन सभी लोगों को मैं बेसिक्स सिखाने वाला हूँ। बेसिक्स यानी 2D से लेके 3D मॉडल्स तक हम कैसे बनाएंगे, उसके बाद उसकी असेंबली कैसे करेंगे, उसके बाद उसकी ड्राफ्टिंग कैसे होगी, और उसके हम प्रेजेंटेशन लाइक एक्सप्लोडेड व्यूज कैसे बनाएंगे। तो ये सब मैं आपको इस ट्यूटोरियल्स में सिखाने वाला हूँ। जितना मुझे आता है मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो सब नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूँ। उसके लिए आप इस पूरे वीडियो में बने रहे, और इस वीडियो के साथ ही साथ आप इस सॉफ्टवेयर का प्रैक्टिस भी करते रहना घर पे, या फिर कहीं भी आपके कॉलेज में कंप्यूटर होंगे वहाँ पे अगर आपको ये सॉफ्टवेयर सीखने को, कहीं पे भी ये सॉफ्टवेयर सीखने को, चलाने को चांस मिले, इस सॉफ्टवेयर को ज़रूर सीखना। सबसे पहले उसे डाउनलोड कैसे करते हैं, डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करके ऑटोडेस्क पे जाना है। ऑटोडेस्क पे आपको एजुकेशन लाइसेंस पे, एज अगर आप स्टूडेंट हो तो एजुकेशन लाइसेंस पे आपको फ्री सॉफ्टवेयर मिलेंगे। और हाँ, यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियो पड़े हैं हाउ टू डाउनलोड ऑटोकैड इन्वेंटर, आप कोई भी उसमें से देख सकते हो। फिलहाल ये जो लिंक है ये ऑटोडेस्क इन्वेंटर एजुकेशनल जो एक्सेस है उसकी है। मैं ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस लिंक को आप बस कॉपी पेस्ट करना और आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन आएगा, बस गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद यहाँ से एजुकेशन रोल स्टूडेंट सिलेक्ट करके आपको डेट ऑफ बर्थ डाल के आपकी आगे की सारी डिटेल्स फिल करनी है, और आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन भी बहुत ईजी है, आप ये खुद से भी कर सकते हो। तो मेरा ऑलरेडी इसमें अकाउंट है तो मैं जल्दी से साइन इन कर लेता हूँ। तो ईमेल आईडी और डालने के बाद, या फिर अब जब भी नया रजिस्ट्रेशन करोगे उसके बाद आपको ऐसा वेलकम मैसेज देखने को मिलेगा, एक पॉपअप देखने को मिलेगा कि यू आर कन्फर्म। ये मैसेज आने के बाद आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं कौन सा भी सॉफ्टवेयर, या फिर आप गेट ऑटोडेस्क सॉफ्टवेयर पर क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको डेस्कटॉप पे देखने मिल सकता है कि सारे सॉफ्टवेयर्स आप यहाँ पे फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। उसमें से बस आपको इन्वेंटर प्रोफेशनल सिलेक्ट करना है और बस गेट प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, और उसके बाद सिंपली आप इंस्टॉल करके इंस्टॉलेशन विजार्ड को ऑन करके बस ओके ओके क्लिक करके ये सॉफ्टवेयर इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद इसे जब आप होम स्क्रीन पे देखोगे तो उसका ऐसा शॉर्टकट दिखाई देगा, तो उसको बस आपको सिलेक्ट करना है और ओपन करने का है। ओपन करने के बाद उसका ऐसा वेलकम स्क्रीन आपको दिखाई देगा, और ये है हमारा होम पेज। ठीक है, तो ऐसा दिखता है इन्वेंटर का होम पेज। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है, फिलहाल आपको इसमें से कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना। मैं आपको बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ होम पेज के बारे में। तो आपने जो भी इसके पहले जितने भी इस सॉफ्टवेयर में जो कौन से भी अगर आपने 3D मॉडल्स या कुछ भी डिज़ाइन किया होगा तो ये सब आपको यहाँ पे दिखाई मिलता है। रिसेंट में आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे यहाँ से आपका प्रीव्यू सेट करके देख सकते हैं कि आपको कैसा प्रीव्यू चाहिए। तो ये ऐसे यहाँ पे आ जाते हैं, अब ये थोड़ा लोड होने में टाइम ले रहा है। तो एनीवे ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो मेन ऑप्शन मिलते हैं, न्यू और ओपन का। न्यू मतलब न्यू फाइल आप ओपन कर सकते हैं, और ओपन मतलब जो आपने कोई फाइल बना के सेव की होगी ऐसे, तो उसे आप यहाँ से ब्राउज करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको यहाँ से और दो ऑप्शन दिखा देता हूँ। यहाँ ऊपर भी ये न्यू और ओपन का, और इसके साथ ही इसका शॉर्टकट कमांड्स भी होते हैं, कंट्रोल प्लस एन दबा के भी आप न्यू पेज ओपन कर सकते हैं, और कंट्रोल प्लस ओ से आप कोई भी आपकी फाइल ओपन कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। अब न्यू पे क्लिक करने के बाद आप कुछ ऐसा इंटरफेस देख सकते हैं। अब बेसिकली क्या होता है ना, कोई भी 3D सॉफ्टवेयर होता है उसमें ना ये चार टेम्पलेट्स होते ही है। पहले है पार्ट, यानी कि आप कोई भी 2D 3D जो पार्ट होते हैं उसे सिंपली डिज़ाइन कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे जो पार्ट्स है, एक सिंपल पार्ट है। ठीक है, तो इसे आप डिज़ाइन कर सकते हो। सेकेंड उसके बाद आता है असेंबली। असेंबली क्या होती है, जब बहुत सारे पार्ट्स एक साथ आते हैं तो उसकी असेंबली यहाँ पे आप देख सकते हो। ऐसे दो पार्ट्स मैंने बनाए और उसकी असेंबली कर दी। ठीक है, तो ये असेंबली है, यहाँ पे हम जो पार्ट्स है 3D कंपोनेंट्स उसको असेंबल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं ड्राइंग शीट्स। आपने जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में सीखा होगा 2D 3D ड्राइंग्स ऐसे बनाते हैं, ऑर्थोग्राफिक व्यू, साइड व्यू और वो सब, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ये देखो, ऐसा बस आपको ऐसे व्यूस आप बनाना सीखोगे किसी भी 3D असेंबली का या फिर पार्ट का। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन। यहाँ पे आप बेसिकली ऐसा एक्सप्लोडेड व्यू, आप असेंबली होती है उसका ऐसा एक्सप्लोडेड व्यू बना के उसका एनिमेशन बनाते हैं। तो ये जो चार स्टेप्स है या जो चार टेम्पलेट्स है वो यूजुअली हर 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में होते ही है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे,
ठीक है, टेम्पलेट्स में जो हम लोग के पास मैट्रिक्स होता है, ये सिस्टम होता है बेसिकली। अभी हम इंडिया में, तो इंडिया में हम मैट्रिक सिस्टम फॉलो करते हैं, मैट्रिक यानी एमएम सिस्टम। अगर आप इंडिया के बाहर होगे तो आपके लिए इंग्लिश एप्लीकेबल होगा, दैट इज़ इन इंचिस। ठीक है, आपको पता होगा कि बहुत से फॉरेन कंट्रीज़ में इंचिस में मेजर होता है और इंडिया में एमएम में मेजरमेंट्स होते हैं, तो इसलिए हमेशा ये मैट्रिक पे सिलेक्ट कराना। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं और आपको ना ऐसा दिखाई देता है सरफेस, तो डरना नहीं, आपको सिंपली बस मैट्रिक पे सिलेक्ट करके आपका इंडिया वाला एमएम शीट ओपन कर लेना है। फिलहाल मैट्रिक्स मैट्रिक्स में ध्यान देने के बाद आपको यहाँ से सिंपल आपका जो स्टैंडर्ड एमएम आईपीटी सिलेक्ट करना है, ठीक है, और क्रिएट। तो हमारे आईपीटी फाइल ओपन होने के बाद आपको कुछ ऐसा स्क्रीन दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये हम सब इन डिटेल में सीखने वाले, या इन डिटेल मतलब इसमें से हम सब बातें तो नहीं सीखेंगे, जो भी हमारे लिए बेसिक चीज़ें हैं वो तो मैं आपको सब सिखाऊंगा। लाइक जो भी बेसिक 3D मॉडलिंग के लिए एज अ बेसिक या एज अ बिगनर मैं आपको पूरी तरीके से सिखा दूंगा, जितना इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद एडवांस में जाके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं इसमें, ठीक है। कोई भी हमें जब 3D मॉडल बनाना होता है तो सबसे पहले उसकी 2D स्केच बनाना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कोई भी 3D मॉडल आप ऐसे ही नहीं बना सकते, उसकी 2D स्केच बनानी पड़ती है, उसके बाद ही उसका 3D एक्सट्रूजन और वो सब होता है, ठीक है। तो अब स्टेप बाय स्टेप हम आने वाली वीडियो में वो सब भी सीखने वाले। अब उसके पहले मैं आपको एक बात ज़रूरी बता दूं कि ये जो वीडियो है वो आपको तो पता है कि वीडियो बनाने में और उसको एडिट करने में टाइम ज़रूर लगता है, तो मैं रोज़ एक एक पार्ट इस ट्यूटोरियल का अपलोड करते जाऊँगा। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, कि रोज़ मैं ट्राई करूँगा कि शाम को 6 बजे रोज़ मैं एक नई नई ट्यूटोरियल की वीडियो डालते रहूँ इन्वेंटर पे। जैसे मैं बनाते जाऊँगा, जैसे एडिटिंग होगी वैसे मैं जल्दी जल्दी से अपलोड करते भी जाऊँगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अगर आप ये वीडियो कुछ हफ्तों दिनों महीनों के बाद देख रहे हैं तो एंड स्क्रीन पे सेकेंड वीडियो की लिंक मिल जाएगी, अगर नहीं मिले तो समझ लेना कि अभी तक वो ट्यूटोरियल नहीं आया। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना चैनल को, और वीडियो पसंद आई तो लाइक भी ज़रूर करना, क्योंकि बनाने के लिए सच में बहुत टाइम जाता है, ठीक है। इसके बाद चलो अभी पहले यहाँ पे आपको क्लिक करना है 2D स्केच पे। 2D स्केच पे अभी ना आपको 3 प्लेन्स दिखाई देंगे। अब ये 3 प्लेन्स का ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब भी आप असेंबली ड्राइंग करते हो उस वक्त इस तीनों प्लेन्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल 2D स्केच के लिए या फिर सिंपल ये पार्ट्स खरीदने के लिए हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं प्लेन, ठीक है। तो चलो मान ली मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, ये आपका अभी 2D स्केच ओपन हो चुका है। 2D स्केच में यहाँ पे सारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बस आपको एक 3D शेप ऐसा ही रैंडमली बना के दिखाऊंगा, मैं आपको सब डिटेल में सिखाने वाला हूँ। और फिलहाल मैं बस आपको यहाँ से बता रहा हूँ कि हम लोग 2D स्केच से 3D स्केच कैसे बनाते हैं और व्यू क्यूब का क्या सिस्टम होता है। ये बस आज के टॉपिक का लास्ट हिस्सा होगा, इसके बाद अगले टॉपिक में हम और डिटेल में सीखने वाले हैं ये शेप्स के बारे में, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे फिनिश स्केच करता हूँ, एक्सट्रूड करता हूँ 100 mm, बस सिंपली ओके पे क्लिक करना है एंड आपका ड्राइंग यहाँ पे तैयार है। तो ये आपका ये 3D मॉडल यहाँ पे बन चुका है। अब यहाँ पे मैं बस आपको व्यू क्यूब दिखाने जाता था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारा व्यू क्यूब है। हम ना कोई भी इससे टॉप, उसके बाद राइट, उसके बाद फ्रंट, ऐसा कोई भी व्यूज सिलेक्ट कर सकते हैं। इवन हम लोग ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप चाहे। मॉडलिंग के वगैरह सब व्यूज़ का इस्तेमाल होता है। अब रैंडमली कोई भी अगर मेरे को व्यू सिलेक्ट करना होगा तो यहाँ पे मैं बस यहाँ पे ये जो है फ्री ऑर्बिट उस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं सिंपली इसको ऐसे रोटेट करूँगा, ठीक है। तो ये है फ्री ऑब्जेक्ट, सॉरी ये है फ्री ऑर्बिट का यूज़। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है पेन, पेन से आप ऐसा ऑब्जेक्ट कहीं पे भी स्क्रीन पे मूव कर सकते हैं, ओके। उसके बाद ये जूम ऑल का ऑप्शन होता है, बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए मैं यहाँ पे स्क्रीन पे कहीं पे भी खो गया, ऐसा मेरा ये पार्ट जो है वो ऐसे कहीं पे भी चला गया, ठीक है। अब मेरे को मेरा पार्ट वापस लेना, कभी कभी हो जाता है गलती से, ठीक है। या फिर मेरे ऐसा भी होता है कि कभी कभी मेरे स्क्रीन पे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं तो मुझे एक साथ सबको देखना होता है, तो क्या करूँगा मैं, सिंपली जूम ऑल पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना आपको और आपका ये ऑब्जेक्ट वापस से आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये भी एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट है, लुकेट, आप जो भी व्यू चाहे उस पर जस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, बस आपको क्लिक करना होता है, बस आपको सरफेस पे जाना है और ऐसा सरफेस सिलेक्ट करना है और अपने आप ऐसा एज ए 2D व्यू में आ जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं इस फंक्शन, इस नेविगेशन बार के फंक्शन। उसके बाद ये फुल नेविगेशन व्हील है, यहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सब कुछ यही ऑप्शन मिल जाएंगे मूव के, ऑब्जेक्ट के, अब देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको एस्केप दबा देना, सिंपली एग्जिट हो सकते हैं अब इससे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, उसके बाद हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि ये शेप्स हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले बात तो मैं आपको
कुछ अगले लेक्चर्स तक मैं आपको कम्प्लीटली बस 2D स्केच बना के सिखाने वाला हूँ, ठीक है, 2D स्केच कैसे बनाते हैं, उसके बाद हम जाएंगे 3D मॉडल पे, ठीक है। तो पहले बात है कि आपको 2D स्केच तो आना चाहिए, उसके बाद हम 3D मॉडल्स के भी ट्यूटोरियल्स देखेंगे। ओके, थैंक यू।